Hello, my dear students. How are you all? I am Pavitra Bagh, here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biology Speed Art Bag. So देखो बच्चों, हम अभी जो है क्या कर रहे हैं, लेक्चर जो तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चल रहा है. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग मोनेरा का दो पार्ट कर चुके हैं. आज है तुम्हारा थर्ड पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा. ओके, थर्ड किंगडम मोनेरा का थर्ड पार्ट है आज. तो आज हम ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए अबाउट माइकोप्लाज्मा. ओके, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे एंड देन कंप्लीट द सियानोबैक्टीरिया. ये तुम्हारा रह गया है तुम्हारा किंगडम मोनेरा का, बस यही दोनों करना है आज. ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले माइकोप्लाज्मा के साथ. ओके, सो लेट मी इरेज ऑल दी थिंग्स. चलो इतना भी लिख लो बच्चे, मैं यहाँ पे जितना चीजें लिखूंगा आप लोग को लिखना है, क्योंकि सारा का सारा चीजें यहाँ पे हम हर चीज नोट्स करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट विथ मोनेरा, सॉरी माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, ओके गाइज. तो व्हाट इज अ माइकोप्लाज्मा, आप लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे दो वर्ड है. एक है तुम्हारा माइको, ठीक है, एक तुम्हारा क्या है माइको, अनदर वर्ड इज प्लाज्मा. माइको मींस, ये माइको वर्ड जो है एक वर्ड से आया है, एक टर्म से आया, दैट इज माइकोलॉजी. किससे आया है, एक वर्ड दैट इज नोन एज माइकोलॉजी. माइकोलॉजी मतलब हम लोग जानते हैं स्टडी ऑफ फंजाई. क्या मतलब इसका, स्टडी ऑफ फंजाई. तो यहां पे जो माइको है, माइको वर्ड का मतलब है दैट रिजेंबल्स फंजाई. ओके, तो ये माइकोप्लाज्मा जो है फंजाई जैसे दिखता है, फंगी जैसे दिखता है. और यहां पे वर्ड है प्लाज्मा. प्लाज्मा मतलब यहां पे समझा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. ओके, तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को बताने का क्या मतलब है, ये बता रहा है. ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, यहां पे सिर्फ ओनली माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है आउटर लेयर में, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो हम क्या समझे, माइको मतलब फंगी जैसे दिखना और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर में होना, उसी को क्या बोलेंगे हम माइकोप्लाज्मा. उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा. अब देखो माइकोप्लाज्मा को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ये देखो, ठीक है, लेट मी फिल दिस, एक मिनट गाइस, थोड़ा कलर चेंज करेंगे. ओके, ओके, लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ प्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा. सपोज दिस इज द माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा का आउटर लेयर क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो, आउटर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, लेट मी मेक दिस. दिस इज वन लेयर. ओके, जनरली बच्चों थ्री लेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं माइकोप्लाज्मा का, ठीक है. कितना लेयर, थ्री लेयर, या दो हो गया और एक बना लेते हैं, दैट इज थर्ड लेयर. ओके, कितना लेयर हो गया, थर्ड लेयर. ये तीनों का तीनों क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यू कैन सी हियर, यहां पे तुम्हारा जो सेल वॉल नहीं है, ओके, इसमें सेल वॉल नहीं है. ये तुम्हारा माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है. मैं इसको और भी चीजें यहां पे लेवल कर देता हूं, ठीक है गाइस. इसमें तुम्हारा कुछ एक डीएनए जो होते हैं, डीएनए तुम्हारा फाइबर्स जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से. इसका डीएनए कुछ इस तरह से पड़ा होता है,
तो इस डीएनए को फिब्रिलर डीएनए भी बोला जाता है, दिस इज फिब्रिलर डीएनए। इसमें और भी बहुत सारी चीजें पड़े होते हैं, जैसे कि यहां पे देख सकते हो ये तुम्हारा आरएनए है, ओके दिस इज आरएनए। और क्या चीजें पाओगे यहाँ पे, तुम्हारा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ओके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम होता है। ओके लेट मी मेक दिस यहाँ पे ऐसे, और राइबोसोम होते हैं। और ये राइबोसोम कौन सा होगा, राइबोसोम माइकोप्लाज्मा का ऑब्वियस सी बात है, 70S राइबोसोम होगा, है कि नहीं। इतना ये तुम लोगों को अगर एग्जाम में आएगा, इतना अगर डायग्राम बनाओगे तो हो जाएगा। तो दिस इज द फिगर ऑफ माइको प्लाज्मा। ओके गाइज, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, ये डायग्राम को पहले बनाओ। ओके फिर मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है गाइज, चलो आगे चलते हैं। ओके तो माइको प्लाज्मा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक अभी करेंगे। सॉरी, ओके सो माइकोप्लाज्मा कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। पहला बात है, इट कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ये बात आप लोग जानते हो, प्रोकैरियोटिक्स क्या है जानते हो, यूनिसेलुलर क्या है जानते हो। यूनिसेलुलर का मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब क्या है, जो इसके जिस ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके देन इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक। न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक जिन जो जो बच्चे नहीं समझते हैं उनको मैं समझा देता हूँ। सैप्रोफाइटिक का मतलब है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो ये हमारा फूड है, ठीक है ये फूड है। तो पहले ये क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, समय नहीं दिख रहा है। ओके तो कुछ केमिकल ऐसे रिलीज करेंगे, ठीक है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। केमिकल रिलीज करने के बाद फूड को डाइजेस्ट कर देगा आउटर बॉडी में, मतलब बॉडी के अंदर नहीं बाहर में डाइजेस्ट करेगा। कि डाइजेस्ट जब हो जाएगा फूड, उसको क्या करेगा ये एब्जर्ब कर लेगा। जो ऑर्गेनिज्म इसी तरह का काम करता है इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। देन कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये सब, दे आर फाउंड इन सॉयल। ओके फाउंड इन सॉयल, और कहाँ मिलते हैं, सेवेज वाटर में, और कहाँ मिल जाएंगे, यू कैन फाउंड देम इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इतना समझ में आ गया। एंड दे आर एनरोबिक्स। ओके एनरोबिक्स, एनरोबिक का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन जो लिव कर मतलब जी जाता है, जिसका डेथ नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को क्या बोलते हैं एनरोबिक। तो ये एक रेस्पिरेशन है जो कि तुम्हारा विदाउट ऑक्सीजन करता है। इनका साइज तो आप लोगों को बताया ही था मैंने तुम लोगों को पहला क्लास में, इनका साइज है 0.125 to 0.150 माइक्रन इन डायमीटर। ओके इतना बात समझा था, ठीक है गाइस। देन ये तुम्हारा सबसे, ये जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बता रहा हूं, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और तुम्हारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलता है, तो वहां पे तुम्हारा आंसर होगा क्या, मैं तुम लोग को बताया था उसका जो
आंसर है आप लोग मुझे बताना, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है 2 मिनट के बाद तुम लोग, मैं उसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है अभी आप उसको बताना है आप लोगों को, ठीक है गाइस। ये हमारा जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन और कुछ चीज इसके बारे में देखते हैं, माइकोप्लाज्मा जो है, ठीक है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जो हमारा बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है, जैसे अभी तुम लोग कोरोना के लिए क्या कर रहे हो, मास्क लगा रहे हो। मास्क क्यों लगा रहे हैं, मास्क इसीलिए लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है हमारे मास्क के थ्रू से फिल्टर होके हमारे बॉडी में ना जा पाए, ठीक है मतलब फिल्टर ना हो पाए, इसीलिए हम फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिल्टर कुछ इस तरह से नेट जैसे, वेब जैसे, नेटवर्क जैसे एक होता है ऐसे कुछ तरह, इस तरह। तो इसी, ये मान लो फिल्टर है, ये तुम्हारा बैक्टीरियल फिल्टर है, ओके दिस इज बैक्टीरियल फिल्टर। सो दिस, थ्रू दिस बैक्टीरियल फिल्टर हमारा जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा तुम्हारा फिल्टर हो जाता है, माइकोप्लाज्मा, ये मान लो माइकोप्लाज्मा, ऐसे बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू से ये फिल्टर हो जाता है, मतलब ये जो हमारा बैक्टीरियल फिल्टर है माइकोप्लाज्मा के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। इतना समझ में आ गया, और कुछ चीजें मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके इतना पहले तुम लोग नोट डाउन करो, ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है गाइस। नाउ सॉरी, ओके अब देखो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम स्टडी करेंगे भी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है माइकोप्लाज्मा आर प्लियोमॉर्फिक। क्या है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, प्लियोमॉर्फिक। तो यहां पे दो वर्ड है देख सकते हो, एक है प्लियो और एक है मॉर्फिक। प्लियो मतलब मेनी, ओके प्लियो मतलब मेनी, एंड मॉर्फिक का मतलब फॉर्म, ओके फॉर्म और यू कैन से शेप, ठीक है फॉर्म और यू कैन से शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा आर प्लियोमॉर्फिक दैट मींस दे हैव मेनी फॉर्म और मेनी शेप। इसका मतलब ये लोग जो है अपना शेप को चेंज कर सकते हैं, मान लो कोई राउंड है, कोई इस तरह सा है, कोई रेक्टेंगल टाइप का हो गया, कोई स्पाइरल टाइप का हो गया, इसी तरह से ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। और इनको इसीलिए ये अपना जो शेप है चेंज कर पाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं इनको, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ओके गाइस क्या बोलते हैं इनको, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ये भी एक बात है जो कि एक प्लियोमॉर्फिक है और ये तुम्हारा जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोला जा रहा है, माइकोप्लाज्मा को, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखो जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर पा रहा है, तो इसीलिए और एक नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा को, दैट इज पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब फुल फॉर्म है प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने, प्लियो, पी फॉर पहला पी, पहला पी फॉर प्लियो, सेकेंड पी फॉर निमोनिया, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, ओके। माइकोप्लाज्मा को अदरवाइज क्या बोला जाता है, प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया जैसे है ही, बट ये इसका, इसके पास जो प्लियो कैपेसिटी है, मतलब अपना शेप को चेंज कर पाने का कैपेसिटी है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये अपना इतना शेप कैसे चेंज कर पाता है, बिकॉज
दे डोंट हैव सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से प्लीरो मतलब बहुत ज्यादा अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर पाता है। अब देखो और कुछ बातें यहां पे पढ़ते हैं। देखो क्या माइकोप्लाज्मा तुम्हारा मोटाइल है? नो, नेवर, दिस इज नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल है? क्योंकि इनके पास फ्लाजेला नहीं है। ओके, नो फ्लाजेला, सो नो मोटाइल। ओके, नो मोटिलिटी। और क्या, देखो सेल वॉल है क्या? सेल वॉल तो है नहीं, बहुत बार बता दिया। ठीक है, थर्ड थिंग, इनका क्या ये स्पोर प्रोडक्शन करते हैं? नो, दे डोंट प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर प्रोडक्शन इनमें नहीं होता है गाइस। ओके, और क्या चीजें हैं, और कुछ चीजें थोड़ा बहुत होगा उसको देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा आर, देखो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं रेजिस्टेंस टू कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिनको रेजिस्टेंस होते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है गाइस? जो कि तुम्हारा बैक्टीरिया को, ठीक है, जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, ये कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि तुम्हारा माइकोप्लाज्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंस टू द वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ओके, ये तुम लोग सुने होगे पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है गाइस, पेनिसिलिन के बारे में सुन लो। अब देखो क्या बोला है ये यहाँ पे बोला है कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा है रेजिस्टेंस है किसको? वॉल अटैकिंग एंटीबॉडी। वॉल अटैकिंग एंटीबॉडी को अगर ये रेजिस्टेंस है तो क्या फायदा है हमारा? क्योंकि देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसके पास सेल वॉल है नहीं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ओके, एंड इसका ग्रोथ और एक एंटीबायोटिक से रोका जा सकता है बच्चों, इसका ग्रोथ रोका जा सकता है। ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय एक एंटीबायोटिक्स है, एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन। इसका मतलब ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये एक एंटीबायोटिक्स है जो कि वॉल पे अटैक नहीं कर रहा होगा, जो कि तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैक कर रहा होगा माइकोप्लाज्मा के। तो ये तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन जो है दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ओके, बट पेनिसिलिन नहीं कर पाता है बच्चों, पेनिसिलिन कांट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइकोप्लाज्मा बिकॉज इट इज अ सेल वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन इज अ सेल वॉल अटैकिंग पेनिसिलिन, सॉरी एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। ओके, सो इतना हमको याद होना चाहिए किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर किंगडम मोनेरा। सो इतना जितना मैं तुम लोगों को पॉइंट्स बताया, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक इसका बताया, जो जो रोल बताया, उतना आप लोगों को आना चाहिए। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमारा माइकोप्लाज्मा खत्म होता है। देन मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल द थिंग हियर फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। क्या मतलब इसका? साइनोबैक्टीरिया। सो व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया को हम अदरवाइज ब्लू
ग्रीन एल्जी के नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जी। बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्जी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्जी। तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्जी में तुम्हारा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको ये जानना होगा इसके पास क्लोरोफिल ए है। क्या है, एक मिनट, क्लोरोफिल ए, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था इसीलिए, ओके, क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए। आई होप तुम लोग क्लोरोफिल ए के बारे में जानते होगे, जो कि इतना जानते तो होगे कि क्लोरोफिल जो होते हैं तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्लोरोफिल ए कि तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, दैट मींस दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस, यस और नो, दे डू द फोटोसिंथेसिस, दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। अगर ये लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं तो साइनोबैक्टीरिया इज ऑब्वियसली एन ऑटोट्रॉफ, यस और नो, इसका न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। देन इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये एक ही सेल से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एंड एक इम्पोर्टेंट बात जो है, दे रिमेन और दे ग्रो एज कॉलोनी, ग्रो एज कॉलोनी। अब देखो कॉलोनी का मतलब क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहना, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहना, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉलोनी बोलेंगे, बैक्टीरिया का कॉलोनी बोलेंगे। अब देखो इनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट मतलब जहां पे रहते हैं, कहां पे रहते हैं ये लोग, जनरली फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो हम पानी पीते हैं, और मैराइन मतलब तो जानते हो समुंदर है, मैराइन वाटर में रहते हैं, और तुम्हारा टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरिया, ओके, लैंड एरिया में भी रह सकते हैं, ओके। देन ये तुम्हारा एक आलगी है, ये तो पता चल गया कि हम इसको ब्लू ग्रीन आलगी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनका कॉलोनी जो है, देखो ये तुम्हारा जो कॉलोनी मैंने बनाया है, यहाँ पे थोड़ा मैं कलरिंग वलरिंग कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कॉलोनी ऑफ व्हाट, कॉलोनी ऑफ कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो इनके कॉलोनी के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, कॉलोनी के चारों तरफ सराउंडेड होता है एक कवर, ओके, एक कवरिंग का सीथ होता है जिसको बोलते हैं, देखो ऐसे कुछ जेल टाइप का एक कवर होता है इनके चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से कवर होता है, ठीक है, देखो सारा कॉलोनी को कवर किया हुआ है। So this is the gel-like structure which covering the colony of cyanobacteria. ये जो तुम्हारा कवर किया है इसको क्या बोलते हैं, gelatinous sheath, क्या बोलेंगे, gelatinous sheath। देखो sheath का मतलब होता है कवर, ओके, gelatinous का मतलब है gel-like, ओके, gel जानते हो gel बच्चों, मतलब ग्लू जैसा होता है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो तुम्हारा कॉलोनीज होते हैं, कॉलोनीज के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जेल टाइप का, एक स्ट्रक्चर से, जिलाटिनियस स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिलाटिनियस सिद्ध बोल रहे हैं अभी, ओके। ये तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, साइनोबैक्टीरिया, ओके गाइस। देन और क्या बात है, द हाँ ये जो है इस, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, किसी किसी ऐसे मतलब तुम्हारा कॉलोनी में कुछ कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होंगे जिसके पास की एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बोलते हैं हेटरोसिस्ट। सभी बैक्टीरिया में, सभी साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, ओके, इसको बोलते हैं हम हेटरोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट का मतलब क्या है बच्चों,
हेटरोसिस्ट का काम क्या है? हेटरोसिस्ट तुम्हारा जनरली एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि तुम्हारा हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है सियानोबैक्टीरिया में। कब फॉर्म होता है? फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रोजन स्टार्वेशन, जब बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजन का अमाउंट कम लगता है उसी टाइम में फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रोजन स्टार्वेशन। ओके, नाइट्रोजन इसको नहीं मिल रहा होता है, नाइट्रोजन के लिए भूखा मर रहा होता है, इसी टाइम में तुम्हारा हेटरोसिस्ट बनता है। तो हेटरोसिस्ट फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रोजन स्टार्वेशन। ओके गाइज, देन अगर नाइट्रोजन स्टार्वेशन में ये तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा? ये नाइट्रोजन इसको नहीं मिल रहा है तो नाइट्रोजन को कैप्चर करेगा। नाइट्रोजन कैप्चर को क्या बोलते हैं हम जनरली? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हारा सियानोबैक्टीरिया का, उसका एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ये तुम्हारा बायोलॉजिकल नेम है गाइज, तो अंडरलाइन करते हैं एनाबेना। ओके, सो दो एग्जांपल मैंने दिया, ये दोनों ही मतलब इंपोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा रिकैप कर देता हूं। पहले सियानोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए उनके पास है तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अगर फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं तो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, एंड ये एक ही सेल से बने हैं, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है गाइज, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है जहां पे तुम्हारा कॉलोनी जैसे रहते हैं हमारे सारा का सारा सियानोबैक्टीरिया, एंड कॉलोनी के चारों तरफ एक सीथ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिलाटिनियस सीथ। एंड तुम्हारा हेटरोसिस्ट नाम का एक स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, मतलब फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? जब नाइट्रोजन का कमी होता है उनके बॉडी में, तब ये फॉर्म होता है। ये एक स्पेशलाइज सेल है जो कि तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सियानोबैक्टीरिया, एंड टूडे वी हैव कंप्लीटेड द किंगडम मोनेरा। कल से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ओके गाइज, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके गाइज, अब देखो मैं तुम लोग को कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ना मतलब क्वेश्चंस जो है, क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अपना डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो बच्चों, ठीक है? अपना डाउट क्लियर करो, जो भी तुम्हारा डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन योर हमारा जो एक नीट का एक टेलीग्राम में एक नीट का एक ग्रुप खोला गया है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यू कैन टेलीग्राम एक ऐप है बच्चों, ठीक है, टेलीग्राम एक ऐप है हमारा इंडियन व्हाट्सएप जैसे है, इसमें ना बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट तुम्हारा ऐड हो सकते हैं, जैसे तुम लोग हमारे व्हाट्सएप में ऐड होते हो उसी तरह ऐड हो सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करना है, कहाँ पे? प्ले स्टोर में, और वहाँ पे जब प्ले स्टोर में डाउनलोगे तो यहाँ पे लिख देना है नीट मैं लिंक सॉरी उसका लिंक तो याद नहीं आ रहा है, मैं उसका लिंक जो है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां पे क्लिक करके चले जाना। पहले क्या करना है आपको, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर मेरे वीडियो में आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे क्लिक करते ही तुम लोग मेरे ग्रुप में जो है ऐड हो जाओगे। वहां से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन सभी मिलता रहेगा, नोट्स मिल जाएगा वहां से, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल है, और वहां पे तुम लोग हम टक कर सकते हैं पर्सनली। ओके गाइज, देन इंस्टा आईडी में आप लोग फॉलो कर सकते हो, इंस्टा में तो इंस्टा आईडी है पवित्र डॉट बाग, इसमें अगर फॉलो करोगे तो मैं तुम लोग को बहुत सारे वहां पे बायोलॉजिकल पोस्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल शॉर्ट वीडियोज पड़े हुए हैं जिसको आप लोग देख सकते हो एक मिनट दो मिनट के अंदर। ओके, कुछ आईजीटीवी वीडियोज भी पड़े हुए हैं, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक ग्रुप ऑल्सो। ओके, और पिछले लेक्चर जो नहीं देखे हो उनका भी मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे से जाकर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो इन सभी चीजों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।